मांगे पूरी नहीं होने से आक्रोशित मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने अब सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। लंबित मांगों को लेकर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन आगामी 15 नवंबर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरुआत करेगा, जिसमें गेट मीटिंग, धरना प्रदर्शन और चेतना रैली आयोजित की जाएगी। अल्मोड़ा में गांधी पार्क में आयोजित बैठक में कर्मचारियों ने आंदोलन की रूपरेखा तय की। इस दौरान मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पुष्कर भैसोड़ा ने कहा कि कर्मचारियों की सभी मांगे जायज़ हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रांतीय नेतृत्व द्वारा किए गए सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिला कार्यकारिणी पूरा प्रयास करेगी। आज हमारे जनपद अल्मोड़ा फेडरेशन की संपूर्ण मिनिस्टर कर्मचारी की बैठक और घटक संगठनों के अध्यक्ष मंत्रियों की बैठक ली गई, जिसमें प्रांतीय नेतृत्व में जो 21 बिंदु पर हमारी मांगे हैं, पूर्व से ही जो हमारी मांगे नहीं कहेंगे वो हमारे हकों को छीन लिया गया है और उन्हें जो हम अपने वापस लेने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और प्रांत द्वारा दिनांक 15/11/2023 से लगातार 14/12/2023 तक जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें संपूर्ण हमारे घटक दलों के अध्यक्ष मंत्री और सम्मानित समस्त विभाग के सदस्यों द्वारा जो है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाएगा। और जब तक ये मांगों पर सकारात्मक रूप सरकार और विभाग द्वारा नहीं लिया जाता है, तब तक हम आगे को धरना जारी रखेंगे।